दोस्तों YouTube पे एक बैड न्यू अपडेट आ गया है, और यह दोस्तों YouTube का जो बैड न्यू अपडेट है ना, आपके अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन को रिलेटेड है। हालांकि दोस्तों YouTube पे मुझे बुरा अपडेट बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, एक टेक्निकल यूट्यूबर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि YouTube पे जब भी कोई अपडेट आए उसके बारे में आपको जानकारी जरूर दूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि YouTube की तरफ से क्या बैड न्यूज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि एक YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए लास्ट 365 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के टारगेट को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह पॉलिसी पहले भी थी, अभी भी चल रही है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले YouTube ने अनाउंसमेंट किया, एक अपडेट किया, और इस पॉलिसी में थोड़ा सा उसने चेंज किया। चेंजेस यह किया कि YouTube ने कहा कि अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो का चैनल है या शॉर्ट्स वीडियो आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं तो आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन व्यूज के टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर इस टारगेट को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और यह दोस्तों जो अपडेट है ना 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का YouTube ने अपडेट किया कि 2023 में अपडेट आ जाएगा कि शॉर्ट वीडियो पे आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन के व्यूज के टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर। चाहे आप एक वीडियो पे कंप्लीट करें या कई सारी वीडियो पे मिला करके, शॉर्ट वीडियो पे मिला के 10 मिलियन व्यूज के टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका शॉर्ट्स वीडियो के जरिए भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बैड न्यूज निकल के ये आई है कि दोस्तों जो आप लोग उम्मीद लगाए बैठे थे ना, जो आशा लगाए बैठे थे कि 2023 का जब साल आएगा, जनवरी 1 तारीख आ जाएगा या 2 तारीख आ जाएगी तो ये अपडेट लॉन्च हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे यही बुरी खबर यह है कि आप लोग जो ये सोच रहे थे ना, नया साल 2023 का जब आएगा, जनवरी का महीना आएगा तो ये अपडेट लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये अपडेट लॉन्च नहीं होगा, इसको डिले कर दिया गया है, यानी ये डिले हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों YouTube ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2023 का जो क्वार्टरली मंथ्स होते हैं, जो साल के क्वार्टरली मंथ्स होते हैं, जैसे कि हाफ ईयरली बोला जाता है 6 महीनों को, और क्वार्टरली बोला जाता है 1/4 को, यानी शुरू के जो 3 महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च, उसमें डीले हो सकता है, उसमें इस अपडेट को लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों ये फरवरी में लॉन्च हो सकता है ये मार्च में लॉन्च हो सकता है 2023 के या अप्रैल में लॉन्च हो। तो ये तरीके का एक बैड न्यूज अपडेट है कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2023 जैसे ही लॉन्च होगा हम लोग अपने शॉर्ट वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज के टारगेट को कंप्लीट करके चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यही बैड न्यूज है कि जनवरी में आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको और भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था YouTube का एक बैड न्यूज अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।